हेलो एवरीवन एंड टीचर फॉर योर क्वेश्चन ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 10 केल्विन इन केस ऑफ स्लो रिएक्शन। तो एक स्लो रिएक्शन है, वहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। पहले हमें यहाँ पे एक बात पता होनी बहुत ज़रूरी है कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर Increasing the temperature of the substrate या जो सब्सटेंस है increases the fraction of increases the fraction of molecule which collide with energy greater than activation energy. ये मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जाता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के जो फ्रैक्शन है उनके अंदर कोलिजन होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी मॉलिक्यूल के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का कोलिजन इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर the fraction of molecule having energy equal to और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ये तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी जो हो जाएगी गेट डबल्ड लीडिंग टू डबलिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। डबलिंग द रेट ऑफ रिएक्शन तो रिएक्शन का रेट यहाँ पे डबल हो जाता है। यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे हैंस हैंस द नंबर ऑफ फ्रूटफुल द नंबर ऑफ फ्रूटफुल कोलिजन गेट डबल। तो फ्रूटफुल कोलिजन जो है उसका नंबर डबल हो जाता है 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने से।
तो यहाँ पे खाली नंबर ऑफ कोलिजन डबल होना इम्पोर्टेंट है, नंबर ऑफ फ्रूटफुल कोलिजन यहाँ पे डबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रूटफुल कोलिजन या तो ऑप्शन होना चाहिए, नहीं तो फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर तो वन आएगा नहीं, कि खाली नंबर ऑफ कोलिजन डबल होने से यहाँ पे रेट डबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो तो नहीं आएगा। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही है, मॉलिक्यूल के अंदर जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है, बट एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर थ्री भी नहीं आएगा यहाँ पे। नॉन वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस, तो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने से वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सेकंड है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड के अंदर करेक्ट है। या तो ऐसा भी ऑप्शन बन सकता है कि नंबर ऑफ फ्रूटफुल कोलिजन गेट डबल्ड, ये भी आंसर होता तो वो भी करेक्ट हो जाता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर टू जो है वो करेक्ट आंसर है। आई हैप अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।